Jammu and Kashmir's ruling party, People's Democratic Party, has celebrated its foundation day in the valley. Chief Minister Mehbooba Mufti has said that PDP would promote cross-LoC trade and continue to work towards opening more routes across the line of control with Pakistan-occupied Kashmir. Addressing a rally on 18th foundation day of the People's Democratic Party in Srinagar, Mehbooba also pitched for nominating members to the Legislative Assembly from the other side of LoC so that joint meetings could be held once in a year. मैं अपील करती हूँ जो पार हमारा कश्मीर है कि आइए अपने बच्चों को भेजिए स्कूल के बच्चों को भेजिए मेरे पास कश्मीर भेजिए उनको 10 दिन 15 दिन हम कश्मीर की सैर कराएंगे वो देखेंगे तुम वचना इस कितके चुरवाजान हमारी मुश्किलात क्या हैं हमारी आसानियां क्या हैं हमारे बच्चे वहां चले जाएं हमारी असेंबली में उस कश्मीर के लिए सीटें रिजर्व हैं हमें फैसला करना चाहिए मिल बैठ के कि हम उसकी नॉमिनेशन करें और असेंबली को साल में एक बार यहां मिले और एक बार उस कश्मीर में मिले ताकि हम मिल बैठ के टूरिज्म की बात करें शारदा पीठ खोलने की बात करें ट्रैवल की बात करें यहां तो वाघा बॉर्डर से कई मुश्किलात हैं वहां से चरस भी आता है गांजा भी आता है मगर उसको बंद करने की बात नहीं होती है तो अगर कोई गलती मुजफ्फराबाद रोड से होती है तो उसको बंद करने की गलती नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये बात होने नहीं देंगे हम हम और रास्ते खोलने के हक में हैं जो पुराने रास्ते हैं वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए वहां पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वहां पर बॉडी स्कैनर होने चाहिए ताकि हमें पता चले वहां से क्या आ रहा है यहां से क्या जा रहा है